दुबई के पास अरे भाई उसी को लेकर के देखिए ये बिन कोई साइड मार है क्या इधर से बोलो भाई मैं बोल बंद करवा ना और किसी के साथ में बुलाना चाहूंगा हमारे चीफ साहब कमाला खान जी को एक बार फिर से स्टेज पर फाइनली वो वक्त आ चुका है जिसका सभी लोगों को इंतजार था हमारे ट्रेनर वॉच के लिए एंड मिस्टर नरेश मल्होत्रा जी प्लीज एक बार स्टेज पर आए सर एक मिनट सर यार म्यूजिक एल्बम लॉन्च है अभी खुले ही नहीं तुमको वो कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज में काफी वक्त लगता है पीछे ना रे कैमरा पीछे ना पीछे ना ये लो अबे एकता कपूर को छाप ले यार के साथ छूट गया फाइनली ये है फिल्म पूरब की आवाज की बेहतरीन सी जी आप देख सकते हैं पीछे आना क्या देखिए सर सर सामने सर अरे वो हमारे आगे आ रहे उसको बोल उसको भगा उसको भगा उसको भैया सामने इस इवेंट की शान इस इवेंट के बैकबोन मिस्टर वसीम ये कौन है ताली हो जाए सर के लिए सुपर स्टार आज के हाँ ये फोटो छपने वाला बस यही छपना चाहिए हाँ वसीम भाई जा रहे हैं बहुत अच्छा ट्रेलर है जो मैंने देखा है और ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ही मतलब देश प्रेम से भरी हुई फिल्म है तो उम्मीद करता हूँ कि फिल्म अच्छी होगी कम नजर आते हो यहाँ कैसे आना क्या सर मैं तो जाहिर सी बात है कहीं जाता नहीं हूँ यहाँ मैं जैसे मैंने कहा कि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं 15 साल पुराने दोस्त हैं महमूद भाई पेन एंड कैमरा के मालिक तो उन्हीं की वजह से मैं यहाँ आया हूँ उन्होंने बुलाया तो फिर मैं मना नहीं कर सकता था हाँ बट अभी ऐसा लग रहा है कि लोग ऐसी जैसे आपने देखा कि नीरजा आई है अब ये आई है पूरब की आवाज़ तो मुझे लगता है कि अब ऐसी फिल्मों का दौर आया है और लोग इस तरह की फिल्में बनाने लगे हैं ओके बायोपिक पे कितना यकीन रखते हैं आप बायोपिक तो जो ट्रेंड चला है यू नो मिल्खा सिंह से चालू हुआ और अपने का नाम नहीं ले रहा है बायोपिक बनाना बहुत अच्छी बात है बट बशर्ते कि आप उसको रियल बनाएं बशर्ते बायोपिक का मतलब यही है कि आपके सीन आपके लोकेशंस आपके कैरेक्टर वो रियल लगने चाहिए अगर वो रियल नहीं लगेंगे फिक्शन लगेंगे तो फिर फिल्म नहीं चल सकती तो जो डायरेक्टर भी बनाना चाहे वो बनाए शौक से बनाए बट अगर वो बायोपिक बना रहे हैं तो फिर वो रियल बनाए अब तक की सबसे कामयाब बायोपिक आपको कौन सी लगी बहुत रिसेंट टाइम मेरे ख्याल में सबसे कामयाब बायोपिक भाग मिल्खा भाग और नीरजा अगर आप किसी बायोपिक पे काम करना मैं बिल्कुल बायोपिक बनाना चाहूँगा क्यों नहीं बनाना चाहूँगा बट अगर मैं बनाना चाहूँगा तो बहुत इंटरेस्टिंग बनाना चाहूँगा मैं दाऊद इब्राहिम की बनाना चाहूँगा मैं अबू सालिम की बनाना चाहूँगा क्योंकि देशद्रोही 2 से वही सब्जेक्ट मैच हो सकता है अगर मैंने ये कहा अगर मैं बनाऊंगा अगर बायोपिक बनाऊंगा हालांकि ऐसा कुछ इरादा नहीं है
बट इन केस अगर मैंने बायोपिक बनाई, क्योंकि जब आप फिल्म बनाते हैं तो जैसे भाग मिल्खा भाग बहुत बड़ा करेक्टर है, उसके बारे में जब आप फिल्म बनाते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट होता है उसको देखने के लिए, तो एक बहुत फेमस बहुत बड़ा करेक्टर होना चाहिए बायोपिक बनाने के लिए, तभी लोग उस फिल्म को देखने जाएंगे। नहीं बनेगी तो ज़रूर बनेगी, ज़रूर ऐसा तो नहीं नहीं बनेगी, बट यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं हम कि फिल्म छोटी ना हो, फिल्म बड़ी हो, 40-50 करोड़ की फिल्म हो, ज़रा बड़े स्टार्स हों, बड़े स्केल की फिल्म हो, कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर बनेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सब काम हो रहा है और ऑफिशियली जल्दी ही आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अभी ये कहना ज़रा मुश्किल है, एक दफ़ा फाइनल हो जाए। नहीं माइंड में तो बहुत लोग हैं, बट यही है कि देखते हैं कि कौन हो सकता है। सो एक्ट्रेस के लिए आप किसको कंसीडर कर रहे हैं? नहीं है अभी ऐसा कुछ नहीं, जैसे मैंने कहा अभी ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ कोशिश में लगे हुए हैं कि कुछ हो जाए, एक दफ़ा कुछ ऑफिशियली हो जाए तो फिर बताएंगे। ओके, जैसे आपने कहा कि मैं बात कर रहा हूं, अगर बनाऊं बायोपिक तो आपको जी, जी 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 दाऊद के लिए डिटेलिंग करना, शायद रिसर्च करना आसान हो आपको, सलीम के लिए आसान? नहीं नहीं मुश्किल होगा? नहीं दोनों के ही लिए बहुत मुश्किल होगा, डिटेलिंग हासिल करना बहुत मुश्किल होगा, बट जाहिर सी बात है जैसे हुसैन जैदी साहब ने बहुत अच्छी बुक्स लिखी हैं, वहाँ से लिया जा सकता है, बहुत चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं वहाँ से लिया जा सकता है, तो और कोई ना कोई बनाएगा भी ज़रूर, बट मुझे लगता है कि लोग इंतज़ार करेंगे कि भाई और कितने साल मतलब ये हो कि भाई हाँ अब बना सकते हैं, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि कोई बना पाएगा। ओके, क्या अगर मौका दिया वक्त आने वाले वक्त में मौका मिला तो दाऊद हो या अबू सलेम हो आप खुद करना चाहेंगे या किसी को कास्ट करेंगे? देखिए अगर मैं बायोपिक बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है मैं ही प्ले करूंगा, बट मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग लाइन में हैं, जैसे निखिल अडवाणी साहब ने डी बनाई थी डी डे, वो और भी आगे बायोपिक बनाने की सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत लोग लाइन में हैं, देखते हैं कौन बनाता है। देख मैंने जैसे कहा देखिए सब लोग अपने देखिए सब लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग थे जो सरबजीत बनाना चाहते थे बट उमंग साहब ने पहले बना दी, तो क्या होता है जब फिल्म इंडस्ट्री में आप हैं सब लोग अपने अपने तरीके से, मुझे पता है कि एक दो लोग हैं जो जैसे रामू बनाना चाहता है अबू सालिम की बायोग्राफी, एक और डायरेक्टर है जो अबू सालिम की बायोग्राफी तकरीबन तैयार कर चुके हैं, मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे पता है कि भाई हुसैन जैदी की जो फिल्म है अबू सालिम उसके राइट्स वगैरह लेके अनुराग कश्यप भी बनाना चाहते हैं, तो देखते हैं कौन बनाता है, जब जिसकी पहले शुरू होगी फिल्म तो उसी की बनेगी। ओके क्या के सर, उसके अलावा आपसे पूछना चाहूँगा यू नो विलन में आपके काम को बहुत सराहा गया, जितने वक्त भी आप मौजूद रहे अपनी मौजूदगी दर्शाते हैं, कुछ इस तरह के और किरदार करके नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर, अगर कुछ ऐसी फिल्म होगी जहाँ मेरे करने के लिए कुछ होगा, वो भले ही दो सीन हो भले ही चार सीन हो, वो मेरा अपना उसमें करेक्टर होगा तो मैं ज़रूर करूँगा, बट ऐसे ही मैं कहीं जाऊँ और छोटा मोटा रोल करूँ और या फिलर की तरह, वो मैं मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी करने की, तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। कोई ऑफर आया सर अभी आपको? नहीं ऑफर तो आते ही रहते हैं, महीने में दो चार ऑफर आते ही रहते हैं, बट वही है कि वो जब मेरे करने के लिए कुछ है नहीं तो वो फिर मैं नहीं कर सकता। सर, वो अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए आप, अगर किस पे काम कर रहे हैं अभी फिलहाल? देखिए फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में तो यही है कि मैंने काफ़ी लोगों को साइन किया हुआ है, जो मेरे ख्याल में इंडस्ट्री के टॉप 4-5 डायरेक्टर हैं वो सब मेरे पास साइन है, बट ये मुनासिब नहीं होगा कहना जब तक ऑफिशियल कुछ ना हो कि कौन सी फिल्म पहले शुरू हो रही है।